हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट भाई। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और ये बड़ौ महाराज असल में जुआन जोया बोर्चा थे, एक स्पेनिश कॉमेडियन जो इस फेमस क्लिप में अपने उस दिन की कहानी बता बता कर हंस रहे थे जब वो एक मामूली से रेस्टोरेंट में किचन हेल्पर हुआ करते थे। एक्चुअली उस वक्त इन भाई साहब ने प्लेट्स को ऑटोमेटिकली धोने के लिए उन्हें रात भर समंदर के किनारे छोड़ दिया था। सोचा लहरों से वो रात भर में धुल जाएंगी, बट गेस व्हाट, जब सुबह उठे तो पता चला सिर्फ एक छोड़कर बाकी सभी प्लेट्स बह चुकी हैं। म्यूजिक यही सोच रहे हो ना कि कोई इतना मीम मटेरियल कैसे हो सकता है। वेल, ये अकेले नहीं है, अपने हर कैरेक्टर में जान डाल देने वाले इरफान खान भी एक बेहतरीन एक्टर के साथ एक ऐसे मीम रह चुके हैं जिनके मीम ने लाखों लोगों की जान बचाई। कैसे और किस मीम से? अरे अरे बताता हूँ, रुको जरा, सबर करो। पर पहले इसे देखो, क्या आपको पता है हम आज भी इनके हंसी सुनकर हंस तो रहे हैं, पर ये अब इतनी दूर जा चुके हैं कि इनकी हंसी को कोई दोबारा नहीं सुन पाएगा। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, पाकिस्तानी सांसद और टीवी होस्ट आमिर लियाकत हुसैन की मौत हो गई है। पर ना तो ये बीमार थे और ना ही इन्होंने खुद अपनी जान ली, तो आखिर ये ऊपर वाले के घर पहुँचे कैसे? वेला ये देखते हैं इन पैदाइशी मीम मटेरियल्स की जन्म कुंडली, जो मरने के बाद भी अपना काम भूले नहीं और इन्हें एक एक करके श्रद्धांजलि भी देते हैं, वो भी अपने फैक्ट बाय स्टाइल में। नंबर वन, इरफान खान। लाइफ ऑफ पाई से दुनिया भर में मशहूर हुए इरफान खान ने कॉमेडी ग्रुप AIB के साथ मिलकर फेमस ब्रेक अप्रूव्स मीम को 2017 में रिक्रिएट किया था। आओ कभी हवेली पे, ही फन के लिए, बट गेस व्हाट, पाई की वैल्यू की तरह अगले तकरीबन 3.14 साल के अंदर हमारे सबके चहेते इरफान की लाइफ कोरोना इन्फेक्शन के चलते हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। वर्स्ट पार्ट, अपनी मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने अपने बेटे बाबिल खान से ऑलरेडी कह दिया था कि आई एम गोइंग टू डाई। पर कोई बात नहीं, अपनी खुद की जान गंवाने के बावजूद इरफान खान ने कई लोगों की जान बचाई है, क्योंकि उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मुंबई पुलिस ने ट्विटर पर उन्हीं के इरफान अप्रूव्स मीम को सोशल डिस्टेंसिंग की अवेयरनेस फैलाने के लिए इस्तेमाल किया था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, स्मार्ट नहीं। नंबर टू, ग्रम्पी कैट। कहते हैं जब आप किसी कुत्ते को खाना देते हैं तो वो सोचता है कि आप भगवान हो, पर वहीं जब आप किसी बिल्ली को खाना देते हो तो वो सोचती है वो भगवान है। वेल, टर्टल सॉस उर्फ ग्रम्पी कैट वॉज नो डिफरेंट। मैडम का चेहरा हमेशा ऐसा आकड़ में रहता था। तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई? और वजह बिल्कुल सिंपल, 2012 में रेडिट और इमगर पर पोस्ट होते ही मोहतरमा का पहला फोटो 2 दिन में ही 1 मिलियन हिट्स पार कर गया था। नतीजा, महज 2 साल में पहले तो इन पर ग्रम्पी कैट्स वर्स्ट क्रिसमस एवर के नाम से एक मूवी बन गई, और फिर 2015 में सैन फ्रांसिस्को वर्ल्ड फेमस मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में इनका एक मोम का रोबोटिक पुतला बन गया। शोरा देख रहे हो, 3 साल में तहलका। आई मीन, वो अलग बात है कि 2019 में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चलते असली भगवान को प्यारी हो गई, पर क्रेडिट देना तो बनता है, कहीं मैडम बुरा ना मान ले। नंबर थ्री, रॉकी लॉकरिज। बेस्ट क्राई एवर के नाम से मशहूर ये रोतलू चेहरा असल में फॉर्मर बॉक्सिंग चैंप रॉली रॉकरिज का है, जिन्होंने 80s के दशक में अपने जमाने के लेजेंडरी बॉक्सर रॉजर मेवेदर तक को धूल चटा दी थी। क्या हुआ, सोच रहे हो कि इतना सक्सेसफुल आदमी फिर यूं टीवी पर इतना फूट फूट कर क्यों रो रहा है? तो भाई लोग, ये सारा माल फूंकने का नतीजा है। सक्सेसफुल होते ही सक्सेस रॉकी के सिर में घुस गया था और नशा उनकी नाक में। अब ऐसे में उनका परिवार करता भी तो क्या, सो वो इन बुरी आदतों से रॉकी को वापस पीछे खींचने के लिए उन्हें इन्वेंशन के एक अमेरिकन शो में लाए और उनके सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। Somewhere deep down in my heart, I still love you. अब क्या ये सब सुनकर वो सुधरे? देखो, मुझे तो नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि 2019 के हार्ट स्ट्रोक के बाद वो अब इतने हाई हैं कि उन तक पहुंचने के लिए हमें बुर्ज खलीफा से छलांग लगानी पड़ेगी, वो भी बिना पैराशूट के। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा, अब जा। नंबर 4, आमिर लियाकत हुसैन। ये नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है ना? नहीं, अच्छा ये सुनो, क्या ये सुना हुआ लग रहा है? यही है आमिर लियाकत हुसैन, पाकिस्तान के पॉपुलर टेलीविजन होस्ट पॉलिटिशियन, जो इसी साल 10 जून को वाह वाह करते कराची में चल बसे, वो भी एकदम रहस्यमय परिस्थिति में, कोई नहीं जानता कि क्या हुआ। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। वेल, हो सकता है, क्योंकि भाई साहब की लाइफ में एक दो नहीं बल्कि 3-3 औरतें थी।
पहली बीवी सैयदा बुशरा अमीर से इन्हें दो बच्चे थे, पर इन्हें प्रोडक्शन जारी रखना था, सो इन्होंने 2018 में सैयदा तूबा अनवर से शादी की। 3 साल तक काम चलाया और फिर 2022 में चल पड़े। 18 साल की सैयदा दानिया शाह को फांसने, क्या उन्हें सफलता मिली? जी हाँ बिल्कुल, फरवरी 2022 में साहबजादे तीसरी बार घोड़ी चढ़ चुके थे। खैर इस बार शायद 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो गया। तीसरी बीवी को आगे बस 3 महीने ही हुए थे कि साहब का स्वर्गवास हो गया। हीथ लेजर और जोकर 2008 की फिल्म द डार्क नाइट से इस डायलॉग के लिए सबसे ज्यादा मशहूर हैं। Why so serious? पर क्या आपको पता है इस मूवी के कुछ महीने पहले और बाद में हीथ लेजर की हेल्थ और लहजा दोनों हिल गया था। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि इस मूवी रोल में अपनी साइकोपंथी बाहर निकालने के लिए हीथ ने अपने आप को एक होटल के कमरे में करीब महीने भर के लिए बंद रखा था। नतीजा इस मूवी की फिल्मी खत्म होने के बस कुछ ही महीनों बाद हीथ मेडिसिन ओवरडोज से अपने घर में मरे हुए पड़े मिले। स्टली इस इंसिडेंट के 4 साल बाद 2012 में क्विक मीम वेबसाइट पर एक जोकर माइंड लॉस नाम का एक पेज लॉन्च हुआ और उसके जोकर के एवरीवन लूजेस देयर माइंड वाले मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। नंबर 6, हरामबे। साल 2016 में ट्विटर पर ये मीम वायरल हुआ, नॉट श्योर व्हाई दे किल्ड मी, आई वाज डूइंग अ बेटर जॉब ऑफ वाचिंग दैट लेडीज किड देन शी वाज। पर इसका क्या मतलब था? वेल, थोड़ी छानबीन करने पर पता चला कि पीछे बैकग्राउंड में जो सिल्वर बैक गोरिल्ला दिख रहा है वो असल में यूएस के सिनसिनेटी जू में हमेशा की तरह बस बैठा हुआ था कि तभी एक 4 साल का अतरंगी चिरकुट उसके पिंजरे में आ गिरा। अब ऐसे में उस बच्चे के साथ आगे क्या हुआ ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। बट एक सेकेंड, क्या सच्ची में लगा सकते हो? क्योंकि जिन जू ऑफिशियल के सामने वो पला बड़ा था उन्होंने तो बच्चे को बचाने के लिए तुरंत हरामबे को गोली मार दी, पर वहां मौजूद बाकी लोगों का कहना था कि हरामबे इनफैक्ट उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसे हार्म नहीं। वर्स्ट पार्ट, जिस दिन हरामबे को मारा गया उसके जस्ट पिछले ही दिन यानी 27 मई 2016 को हरामबे का 17th बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। पर हरामबे अकेला जानवर नहीं है जो आज सिर्फ मीम में जिंदा है। नंबर 7, डॉगे। ये चेहरा याद है? जी हाँ, वही जो आजकल क्रिप्टो करेंसी डॉगे कॉइन की पहचान बना हुआ है। वेल, ये असल में एक 2005 बॉर्न शिबा इनू ब्रीड के डॉग कोबोसू का चेहरा है जो साल 2017 में डॉगी कॉइन की कीमत की तरह ऊपर जा चुका है। और चाइना के ऑफिशियल न्यूज चैनल चाइनीज सेंट्रल टेलीविजन ने खुद इसे अपने ट्विटर हैंडल पर कंफर्म किया है। नहीं नहीं, आंखों का समंदर करने की जरूरत नहीं है, पागल हो गया, मर्द आदमी रोता है। वो उम्र ऑलरेडी जी चुकी थी। एक्चुअली 2010 में जब जापानीज किंडरगार्टन टीचर अत्सुको सेटो ने कबोसू को अडॉप्ट किया था वो ऑलरेडी 5 साल की थी, और ये वही समय था जब अत्सुको ने उसका वो फेमस पिक्चर अपने पर्सनल ब्लॉग पर अपलोड किया था। सो अगर आपको कबोसू के लिए कुछ करना ही है तो नवंबर 2 को उसका बर्थडे हुआ करता था, आप उसका डीपी रख सकते हो। नंबर 8, जीन विल्डर। ये चेहरा याद है? ये असल में अमेरिकन एक्टर जीन विल्डर का चेहरा है जिन्हें जितना मूवीज से फेम हासिल नहीं हुआ उससे कहीं ज्यादा तो अपने इस मीम फेस से मिला है। स्ट्रेंज पार्ट, जैसे कि इनकी 1971 में फिल्म विली वोंका एंड द चॉकलेट फैक्ट्री से धप्पा देते हुए ये मीम फेस 2011 में इंटरनेट पर वायरल हुआ। महज 5 साल के अंदर पहले तो व्यूज ऊपर गए और फिर उसके बाद जीन विल्डर खुद, कहा जाता है कि वो अपने आखिरी समय में अल्जाइमर जैसी एक सीरियस जानलेवा याददाश्त की बीमारी से जूझ रहे थे जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। सैड, वो कभी लोगों को बता ही नहीं पाए कि उनके चेहरे को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उस मूवी सीन में किसी की उड़ा नहीं रहते जिस तौर पे आज उस चेहरे को इस्तेमाल किया जाता है, वो तो उस सीन में बस छोटे छोटे बच्चों को अपना चॉकलेट वंडरलैंड दिखा रहे थे। लोग भी ना किसी भी चीज का कुछ भी मतलब निकाल लेते हैं। नंबर 9, ग्रीनी गर्ल उर्फ कैलिया पॉसी। इमेजिन, आप दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस हो पर एक पायलट बनने के लिए आपको पढ़ाई के नाम पर सुबह सुबह घिसनी भी पड़े, ऐसे में आप क्या करोगे? मे बी अपने दिल पर पत्थर रखकर कोई एक चीज चुनोगे, राइट? वेल, टीएलसी नेटवर्क पर चले टॉडलर्स एंड टेरर्स शो से फेमस हुई कैलिया पॉसी का ये ओवर एम्बिशियस या अति महत्वाकांक्षी चेहरा देखकर लगता है कि वो किसी एक चीज के साथ खुश होने वाली थी। बिल्कुल नहीं, कैलिया की माँ के अनुसार वो एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस और सक्सेसफुल एक्टिंग करियर दोनों चाहती थी, पर इसी साल मई में अपने वॉशिंगटन डीसी वाले घर में खुदकुशी करने के बाद आज उनकी सिर्फ एक ही चीज जिंदा है, एक मीम वर्थी चेहरा। नंबर 10, मोइन अख्तर।
आर्टिस्ट, ह्यूमरिस्ट, कॉमेडियन, इम्पर्सोनेटर, होस्ट, राइटर, सिंगर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। आप नाम गिनते गिनते थक जाओगे, पर मोइन अख्तर के काम खत्म नहीं होंगे। दुनिया को इस मीम से नवाजने वाले। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ये पाकिस्तानी कलाकार अपने 45 साल के करियर की शुरुआत सिर्फ 13 साल की उम्र में अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस से कर चुके थे, जहाँ ये चाचा शेक्सपियर के द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में शाइलॉक का किरदार निभा रहे थे। तू फिक्र मत कर मेरी बहन, जब तक तेरा भाई इस घर में मौजूद है कोई तुझे कुछ नहीं कर सकता। इनका नाम कम और इनका काम ज्यादा बोलता था, तभी तो इन्होंने इंडिया के लेजेंड्स, मेरा मतलब दिलीप कुमार, लता मंगेशकर और माधुरी दीक्षित के साथ स्टेज तक शेयर किया। जब 22 अप्रैल 2011 को हार्ट अटैक से ये कराची में मरे तो इन्हें रुखसत करने के लिए हजारों हजारों लोग पहुंचे थे। पाकिस्तान के ये कलाकार इतने उम्दा थे कि जॉनी लीवर, जावेद अख्तर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कलाकारों ने इन्हें ट्रिब्यूट भी दिया। एनीवे, इनमें से कितने मीम हीरोज की मौत के बारे में आप पहले से जानते थे? क्योंकि अब आपके लिए एक ट्रिक क्वेश्चन है। आज जितने भी मीम हीरोज की हमने बात की है, उनमें से एक की मौत बस एक अफवाह थी। क्या आप जानते हैं वो कौन है? अगर हाँ तो अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ज्यादा फनी और रूटीन से अच्छी खासी हटके आज एक मुनफरद वीडियो देखने को मिल रही थी। मीम्स का जिक्र किया जा रहा था, हालांकि जितने भी करेक्टर दिखाए जा रहे थे इनमें से किसी एक ने भी ऐसी बात या ऐसी हरकत इसलिए नहीं की थी कि वो मशहूर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया का दौर है तो लोगों की पुरानी पुरानी की हुई बातें और 40 साल पुरानी तस्वीर भी अचानक वायरल हो जाती है। समुद्र के किनारे प्लेटें रख के बगैर किसी मेहनत के धोने का जो तजर्बा स्पेनिश कॉमेडियन ने किया था, वो तजर्बा तो कामयाब नहीं हो सका, लेकिन उसके बाद उनकी उस बात के ऊपर की गई मुस्कुराहट एक यादगार चीज़ बन के सामने आ गई। इसके साथ साथ जिस रेसलर की बात की जा रही थी, जिनके रोने की मीम पूरी दुनिया में आज भी सुनाई देती है, आमर लियाकत हुसैन साहब की बात की जा रही थी, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी ज़िंदगी में अच्छे खासे तनाज़ात हासिल किए, हालांकि इन्हें एक मजहबी स्कॉलर के तौर पर देखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद इन पर तनकीद करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। और अपने अजवाजी ताल्लुकात को लेके, अपनी घरेलू ज़िंदगी को लेके ये अच्छे खासे मसाइल का भी शिकार रहे हैं। इसके साथ साथ मोइन अख्तर की बात की जा रही थी, वो एक ऐसे इंसान थे जिनकी अगर तारीफ की जानी चाहिए तो उनकी गरीब लोगों के साथ मोहब्बत की तारीफ की जानी चाहिए। तो सारी मीम्स बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और बहुत ज़्यादा फनी वीडियो थी। इसके साथ साथ पाकिस्तान में एक छोटा पठान बच्चा, वो भी बड़ा मशहूर है, जिसने कहा था पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो, वो भी है। इसके साथ साथ 4 सेकंड की एक वीडियो थी जिसमें एक लड़की ने कहा था कि पार्टी हो रही है। तो इसके अलावा कुछ ही ऐसी बातें होती हैं जो सोशल मीडिया में मशहूर होने के लिए तो नहीं की जाती, लेकिन जब वो मशहूरी का बायस बनती है तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती। आपकी कीमती वक्त शुक्रिया। अगर आप किसी वीडियो पर अच्छा लगता है तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।